जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 100 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई। प्रदेश में बढ़ने लगी डेंगू के मरीजों की संख्या, एसएमएस अस्पताल में डेंगू की दवाइयों के बढ़ाए दाम, प्लेटलेट्स के लिए शुल्क 6 से बढ़ाकर 8000 रुपए किया गया। जोधपुर की रातानाड़ा पुलिस ने फेसबुक गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह फेसबुक पर दोस्ती कर खाते में डलवाता था पैसे, एक व्यापारी को बनाया निशाना। पुलिस ने नाइजीरियन सहित 2 को किया गिरफ्तार। सिरोही में गोलगप्पे खाने से 50 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग। आबू रोड राजकीय चिकित्सालय में चल रहा है सभी का इलाज। राजधानी जयपुर के झालाना में गहराया पेयजल संकट। पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी धरने की चेतावनी। सोमवार को कुंडा बस्ती में देंगे धरना। नमस्कार, मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। उदयपुर में नाबालिग किशोर का अपहरण। एमपी कॉलोनी के रहने वाले हैं नाबालिग किशोर शुभम पांडे। अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। नाबालिग के पिता ने केस दर्ज करवा दिया है। मामला दर्ज होने में पुलिस के हाथ अहम सुराग लग गया है। ये बड़ी खबर है उदयपुर से। एमपी कॉलोनी का रहने वाला है नाबालिग शुभम पांडे। अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपए की फिरौती उसके पिता से मांगी है। नाबालिग के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। मामले में पुलिस के हाथ भी कई अहम सुराग लगे हैं। उदयपुर से बड़ी खबर, एक नाबालिग किशोर का अपहरण कर लिया गया है जो एमपी कॉलोनी का रहने वाला है, जिसका नाम शुभम पांडे है। अपहरणकर्ताओं ने नाबालिग के परिजनों से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। नाबालिग के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है और पुलिस का दावा है कि मामले में कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां एमपी कॉलोनी के रहने वाले एक नाबालिग शुभम पांडे का अपहरण कर लिया गया और अपहरणकर्ताओं ने नाबालिग के पिता से 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। कांग्रेस के अग्रिम संगठन असंगठित कामगार कांग्रेस ने पीसीसी मुख्यालय पर बैठक आयोजित की, जिसमें मजदूर और ठेकेदार वर्ग के लोगों को कांग्रेस से जोड़कर संगठन के उद्देश्य की जानकारी दी गई। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय समन्वयक प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रजाक भाटी, मजदूर वर्ग के प्रदेश संयोजक नवाब मालिक समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। सामने विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में तैयारी करने के लिए कांग्रेस को बहुमत से उतारने के लिए इन सब लोगों किया गया और इन सब लोगों ने कांग्रेस के साथ रहते हुए कांग्रेस को जिताने का यह संकल्प लिया कि आने वाले टाइम 2018 के चुनाव में हम कांग्रेस को जिताएंगे और कांग्रेस के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हम कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस हमारे हित की बात करती रहे, हमारे कामों के लिए आवाज़ उठाती रहे आने वाले टाइम के अंदर, इसको लेकर आज हमने यही संकल्प किया। जो मीटिंग रखी गई है वो मजदूरों की समस्या को लेकर रखी गई है, क्यों मजदूरों की जो योजना लागू की थी वो वसुंधरा सरकार ने बिल्कुल उसको लोप कर दी गई है, उसको ख़त्म कर दी गई है और मजदूरों के प्रति बेरोजगारी के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। इसको लेके ये आज हमारे ये संयोजक है रामप्रसाद गुर्जर साहब, ये इनकी पूरी मेहनत से यहाँ रंग लाई है और मजदूरों की समस्या को लेके हमने ये काम किया। और मैं इसी मौके पर एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाटी साहब को बधाई दूंगा, मेरे को भी अभी प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, प्रदेश महासचिव भी बनाया है और कृषि विभाग में मेरे को पूरे राजस्थान का कोऑर्डिनेटर बनाया है, तो इस अवसर पर मैं इनको भी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ का आगामी 15 जुलाई को होने जा रहे अधिवेशन को लेकर विधि प्रकोष्ठ की तैयारियां जारी हैं। इसके चलते पीसीसी मुख्यालय पर विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील शर्मा के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिवेशन को की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही जयपुर जिला कार्यकारिणी का विस्तार करने की रणनीति बनाई गई।
ये कार्यक्रम जयपुर होस्ट कर रहा है और राजस्थान का जो जयपुर यहाँ पर मुख्यालय है, इस पर हम ये जो तैयारी है इस तरह की तैयारी है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम देना चाहते हैं जो पूरे राष्ट्र में एक अपने आप में एग्जाम्पल सेट होगा और आज तक के जितने अधिवेशन हुए हैं उनमें सबसे बढ़िया अधिवेशन और उससे अधिक से अधिक अधिवक्ता एनजीओस और आरटीआई और मानवाधिकार आयोग से जुड़े लोगों को हम इसमें जोड़ेंगे और एक राष्ट्र स्तर पर हम ऐसा कार्यक्रम देंगे कि जो अपने आप में एक अचीवमेंट होगा। 15 जुलाई को जयपुर में ऐतिहासिक अधिवेशन होगा, उसमें हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी को भी आमंत्रित किया है कि वो भी उसमें पधारें। राष्ट्रीय संगठन मंत्री अशोक गहलोत जी, पार्टी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, प्रभारी अविनाश पांडे जी, मोहन प्रकाश जी, सीपी जोशी जी और साथ में देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल साहब, पी चिदम्बरम साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तन्खा राष्ट्रीय अध्यक्ष और सलमान खुर्शीद साहब इसमें इन्वाइट किए हैं जो इसको संबोधित करेंगे और पूरे राजस्थान से करीब 5,000 अधिवक्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। इस अवसर पर हम हमारे संगठन के जो लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित करेंगे और जो एनजीओ अच्छा काम करते हैं, आरटीआई वर्कर्स हैं, उनको भी हम वहाँ मंच से सम्मानित करेंगे। कर्नाटक में येदियुरप्पा की बीजेपी की सरकार गिरने के बाद राजस्थान कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने घमंड के साथ केंद्र में सरकार का दुरुपयोग किया, उसका नतीजा ये निकला कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत है, इसी तरह कांग्रेस की लगातार जीत होगी। मैं जहां तक समझता हूं ये लोकतंत्र की जीत है और जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 दिन में और वहाँ के राज्यपाल ने जिस तरीके से उनको शपथ दिलाई वो एक बहुत गलत तरीका था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच में आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर इनको 4 बजे तक बहुमत सिद्ध करना पड़ा। जिस तरह की इनकी खरीद फरोख्त की एक चाल थी, 15 दिन का समय देने का, सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये एक भ्रष्ट सरकार, मोदी जी की भ्रष्ट सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और लोगों को गुमराह करके विधायकों को खरीद फरोख्त करने पर चाह रहे थे, उसको इनकी इस मुहिम को धक्का लगा है और लोकतंत्र की जीत हुई है। जयपुर में बढ़ते दूषित पानी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जयपुर समेत प्रदेश में दूषित पानी की वजह से कई बीमारियां हो रही हैं, सरकार बेपरवाह बनी हुई है और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। ये तो पूरे राजस्थान की स्थिति है। मैं आपको बताऊं, किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 71 में मैंने परसों एक आंदोलन किया और वहाँ पे ईएन एक्शन और चीफ इंजीनियर को हमने बुलाया, उन्होंने स्विच ऑफ कर लिए। बाद में हमने ज़बरदस्ती एक वहाँ पे नलकूप चालू करने की स्थिति में था, लेकिन मेरे को ये बताया गया वहाँ की जनता के द्वारा कि माने यहाँ के विधायक मोहनलाल गुप्ता जी के पास समय नहीं है उसको उद्घाटन करने का। तो हमने मजबूरन वहाँ के JEN EN को बुलाया और जब लोग परेशान थे तो उनको तुरंत शुरू कराया। और देखने की बात यह है कि पूरे जयपुर में दूषित पानी जिस तरीके से लोग पी रहे हैं, लोगों के डायरिया हो रहा है। जयपुर के झाना क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सोमवार को धरना दिया जाएगा। कांग्रेस नेता मारुति नंदिनी ने कहा कि जोटवाड़ा में लगातार पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत है, कई बार सरकार के प्रतिनिधियों से अवगत कराया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए सोमवार को कुंडा बस्ती में पानी की समस्या को लेकर धरना दिया जाएगा। पानी की बहुत समस्या है झलाना कुंडा बस्ती में, मालवी नगर जगतपुरा रोड 51 नंबर वार्ड में। ये कैलाश वर्मा जी है ना, वो भी ध्यान नहीं दिए, वोट ले जाके बैठ गए और बोले झूठे झूठे दिलासा दिलाए और कहें कि हम एक काम करें, मेरे वोट दो। उनके बहुत वोट दिए हम लोग, बहुत उनके साथ में लग भिड़ के करें, मगर आज हम लोग के देखने नहीं आते हैं। ये बीजेपी के राज में इसने कहना है, बीजेपी मोदी के राज में, वसुंधरा जी के राज में हमारे बहुत समस्या है, पानी भी नहीं आता है और पानी के बहुत दिक्कत है, एक दो घंटा लाइन लगने पड़ता है टंकी पे। जयपुर में डेंगू मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है, वहीं दूसरी ओर अब उनके इलाज में लगने वाले दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। दरअसल डेंगू मरीजों के काम में आने वाली सिंगल डोनर
प्लेटलेट की दरें अब महंगी हो चुकी हैं। नेशनल एड्स सोसाइटी ने पिछले वर्ष ही दरों में संशोधन किया था, जिसके बाद एसएमएस ने अस्पताल की मेडिकल रिलीफ सोसाइटी से अनुमोदित करवाकर इन दरों को लागू कर दिया गया था। अब मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए 8,000 तक का शुल्क देना होगा। इससे पहले ये शुल्क 6,000 रुपये ही था। जैसा कि आरएमआरएस की बैठक के अंदर ये सूचना दी गई थी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रेट्स रिवाइज की है इन सब जांचों के लिए और इन सब प्रोसीजर्स के लिए, और ये जो रेट्स होती है ये वहाँ से निर्धारित होकर आती हैं, जो कि एक यूनिफॉर्म रेट्स होती है, तो उसी के आधार पर उनको रिविज़न किया गया। ये कोई बढ़ाया नहीं है रेट्स को, क्योंकि ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ही हमें सहायता प्रदान करता है, वो हमारी रेगुलेटिंग बॉडी है ब्लड बैंक्स के अंदर, तो इसलिए उसके आधार के ऊपर वो जो रेट्स और रिवाइज हमने लागू किए हैं, इसमें कोई भी अपनी ओर से हमने कोई बढ़ोतरी नहीं की। हमने जो भी आरएमआरएस में सेक्रेटरी साहब आनंद कुमार जी के निर्देशन के अंदर जो भी हमने जो भी डिसीजन लिए हैं, वो निर्णय के अंदर कोई भी हमने निर्णय ऐसे नहीं लिया जिसके अंदर कि किसी पेशेंट पर किसी तरह का भार पड़े। लेकिन जो रेगुलेटरी बॉडी होती है उसका तो जो आदेश होता है या उसकी जो जो भी रिकमेंडेशन होती है वो मानने के लिए हम बातें। राजस्थान में आखिर लंबे इंतजार के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अगले सत्र में प्रदेश में भीलवाड़ा, भरतपुर, चुरू, डूंगरपुर और पाली में नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने की अनुमति दे दी है। मेडिकल काउंसिल ने कॉलेज खोलने की अनुमति के साथ ही शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिए MBBS की 100-100 सीटों की अनुमति भी दे दी है। 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद अब प्रदेश में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। 5 साल बाद प्रदेश में 500 अतिरिक्त MBBS चिकित्सक प्रदेश को मिलेंगे, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। वहीं बाड़मेर और अलवर में 2019 तक मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिए जाएंगे। प्रिंसिपल पद SMS मेडिकल कॉलेज के लिए वैकेंसी निकली है। 30 से करीब चिकित्सकों ने इसके लिए आवेदन पत्र दिए हैं, और ये सरकार का जो निर्णय होगा उसके अनुसार नया प्रिंसिपल यहाँ पर अपॉइंट होगा। जयपुर के सबसे बड़े SMS मेडिकल कॉलेज में नए प्रिंसिपल को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस पद को पाने के लिए अब तक 30 चिकित्सक कतार में हैं, जिन्होंने आवेदन पत्र भरे हैं। प्रिंसिपल पद की चाह हर चिकित्सक रखता है। ऐसे में इस बार के आवेदन पत्रों में विभागाध्यक्षों के अलावा कार्य व्यवस्था पर लगे डॉक्टर्स ने भी आवेदन भरा है। इस दौड़ में सबसे आगे JK लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक गुप्ता, नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष धनंजय अग्रवाल, SMS अस्पताल अध्यक्ष डॉक्टर DS मीणा नजर आ रहे हैं। अजमेर के ब्यावर थाना इलाके के जालिया रोड स्थित गोविंदपुरा स्कूल के पीछे रहने वाले एक फौजी परिवार को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट केदार सिंह चौहान ने बताया कि पास में ही रहने वाले कुछ लोग और उनके परिवार के करीब 20 से 30 लोगों ने घर के बाहर धर्म परिवर्तन को लेकर ललकारने लगे। पीड़ित ने सभी आरोपितों पर हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने और जान से मारने का आरोप लगाया है। रात को करीबन 7 बजे हम हमारे घर के अंदर चाय पी रहे थे मेरी फैमिली के साथ में। उस समय बाहर से कुछ शख्स, उसमें सफी मोहम्मद, इशरत मोहम्मद, इब्राहिम खान और उनके परिवार सारे मिलके करीबन 20-30 का ग्रुप था। उन्होंने बाहर मेरे घर के बाहर ये धर्म परिवर्तन के बारे में मुझे ललकार रहे थे। घर पास ही है, ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो दोनों के रात्रि में 8:30 के लगभग आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी जो है मारपीट में तब्दील हो गई। धर्म के संबंध में नहीं, तो पहले के किसी के द्वारा कोई शिकायत दी गई है, और जो परिवादी है अब इस बात को कह रहा है कि ये मेरे साथ में ये कहा गया है कि तुम दूसरे धर्म को मानते हो। इसलिए राजस्थान के प्रमुख जैन तीर्थस्थल करौली में स्थित महावीर में वेतन संबंधी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों की चल रही हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। धरना स्थल पर ही कर्मचारियों ने प्रबंधन कमेटी के खिलाफ विरोध जताकर प्रदर्शन किया। मंदिर कमेटी प्रशासन द्वारा भी कर्मचारियों से कोई भी संपर्क नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों का रोष भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश भर से आने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही यात्रियों के ठहरने, पूजा विधान और खाद्य सामग्री के लिए भी तरसने को मजबूर होना पड़ रहा है।
सूत्री मांगों को लेकर के मंदिर की मंदिर के कर्मचारी अनिश्चितकालीन करने के लिए बैठ चुके हैं। पूर्ण वार्ता का प्रयास किया और मैं वार्ता का प्रयास किया लेकिन कमेटी की ओर से अध्यक्ष महोदय ने कोई आश्वासन ऐसा जवाब नहीं दिया। झुंझुनू के वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह के 100वें जन्मदिन को समारोह पूर्वक मनाया गया और उनकी शहादत को याद किया गया। शहीद परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर जिले का नाम रोशन ही नहीं किया बल्कि सिंह भारत के दूसरे परमवीर चक्र विजेता भी बने। 12 साल की सर्विस कर उन्होंने 1948 में अपने देश के लिए शहादत देकर हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी 100वीं जन्म शताब्दी को समारोह पूर्वक मनाकर उनको याद किया गया। लड़ाई के टाइम पे ऐसा बहादुरी का परिचय दिया था कि भारत में दूसरे नंबर पे पीरू सिंह को पद्मवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जिनका आज 100वां जन्मदिन शताब्दी दिवस मना रहे हैं। ये झुंझुनू के लिए गौरव की बात है, भारत के लिए गौरव की बात है, हम सब लोगों को गौरव की बात है कि ऐसे लोगों का हम आज शताब्दी दिवस मना रहे हैं। नेताओं की सभी मनाते हैं लेकिन ऐसे वीरों की शताब्दी दिवस मनाना एक महानता है। युवा पीढ़ी उनसे देशभक्ति की, त्याग की, बलिदान की प्रेरणा ले, विषम परिस्थितियों में किस तरह देश के लिए सेवा की जा सकती है, देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया जा सकता है, ये उनके ये इसकी प्रेरणा। बाड़मेर में विक्रमी संवत के ज्येष्ठ मास के अधिक मास होने के कारण ज्येष्ठ सुदी षष्ठी नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया। रविवार अलमस्त सवेरे परिक्रमा सदर बाजार हनुमान जी मंदिर से शुरू हुई। ये परिक्रमा अंबेडकर चौराहा, गडरा रोड, रावलों की ढाड़ी पहाड़ी के पीछे से होते हुए गोपाल गौशाला पहुंची। गौशाला में विश्राम का कार्यक्रम रखा गया जिसमें हजारों लोगों के चेहरे पर आधी परिक्रमा पूरा होने पर संतुष्टि के भाव नजर आए। जयपुर में जनमंच प्रताप नगर और कला सागर संस्था की ओर से प्रताप नगर के सेक्टर 5 स्थित एलबीएस स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजक दीपक कुमार डूलानी और भूपेंद्र सिंह शेखावत सागर किराड़ ने बताया कि शिविर में 70 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर में संजय वापना, पंडित सुरेश मिश्रा, पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित कई लोग उपस्थित रहे। जयपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 100 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही बोलेरो कार भी जब्त की है। अफीम की कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है। नारकोटिक्स और मादक पदार्थों की धरपकड़ और पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बगरू पुलिस ने करोड़ों रुपए की अफीम की खेप जब्त की है। पुलिस को पिछले एक सप्ताह से जयपुर में मादक पदार्थ लाए जाने की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने शहर के अजमेर रोड पर नाकाबंदी करवाई और सभी वाहनों की सख्ती के साथ जांच करवाई। इस दौरान सिपाही चंद्रभान ने एक बोलेरो कार की तलाशी ली तो उसमें एक प्लास्टिक का कट्टा और 3 बैग मिले जिसे नारकोटिक्स डिटेक्शन किट से चेक किया गया तो उसमें अफीम होना सामने आया। पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो सामने आया कि बिना लाइसेंस के अवैध रूप से अफीम राजस्थान में लाई गई है। कल देर रात्रि का ये मामला है। हमारे बगरू थाना इलाके में ठीकरिया मोड़ एक जगह है नेशनल हाईवे पर, वहाँ पर नाकाबंदी की देर रात्रि में और नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो वाहन में 3 लोग सवार थे, उनको हमने पकड़ा है और उनसे 1 क्विंटल 860 ग्राम अफीम हमने बरामद की है। मैं ये मानता हूँ मेरे हिसाब से जयपुर शहर में अफीम की बरामदगी का ये सबसे बड़ा केस है और 1 क्विंटल अफीम ये हमने बरामद की है और इसमें हमारे बगरू थाने के कांस्टेबल चंद्रभान उसका सबसे विशेष योगदान रहा है। पिछले 5-7 दिनों से हमारे पास एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, उसी के आधार पर हमने नाकाबंदी की और उस नाकाबंदी में हमने ये महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त। ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण की जिस मांग को लेकर प्रदेश का गुर्जर समाज लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहा था, अब सरकार से वार्ता के बाद प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया गया है।
सचिवालय में करीब 5 घंटे की दूसरे दौर की वार्ता के बाद सरकार और गुर्जरों में 16 बिंदुओं पर सहमति बनी और इसके बाद आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया गया। सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े नेताओं को आश्वासन दिया है कि ओबीसी आरक्षण वर्गीकरण से जुड़े सर्वे के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे जाने के बाद प्रदेश सरकार भी उस रिपोर्ट का अध्ययन कर सकारात्मक निर्णय लेगी। समक्ष इसी 4 जून को हमारा पिछड़ा आयोग अपने रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा और इस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसका अध्ययन करके राज्य सरकार निश्चित तौर पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। बाकी मांगों के बारे में कर्नाटक में बीजेपी के सीएम येदुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में जयपुर पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। कार्यकर्ता हाकम अली देशवाली ने बताया कि देश में मोदी सरकार ने तानाशाही का रवैया अपना रखा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचा लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी कांग्रेस चुनावों के लिए तैयार है। कांग्रेस राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सिरोही जिले के पालड़ीवास में गोलगप्पे से 50 से अधिक लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया। सभी लोगों का पहले गांव में उपचार कराया गया, जब फायदा नहीं हुआ तो शनिवार की रात सभी को आबू रोड राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां अब रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं क्षेत्रीय विधायक जगसीराम कोली और तहसीलदार मनसुख राम डामोर भी यहां पहुंचे और रोगियों के उपचार को लेकर किए गए प्रबंधों की जानकारी लेते हुए उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा। उधर इस घटना की जानकारी मिलते ही शहर के समाजसेवी और अन्य जनप्रतिनिधि भी चिकित्सालय पहुंच गए और हर कोई अपनी ओर से सहयोग करता नजर आया। 40 पेशेंट फूड पॉइजनिंग आए हैं, जिसमें बड़े भी हैं और बच्चे भी, और सब में पानी की कमी थी और तेज बुखार था। इन्होंने कल दोपहर को कुछ पकौड़े खाए थे, यहाँ गांव में पालड़ी गांव में रेवदर के पास में, तो वहाँ पे इलाज लिया था, वहाँ आराम नहीं हुआ था, फिर यहाँ लेके आए। तो यहाँ पे आते ही तुरंत हमने इलाज चालू कर दिया है। नर्सिंग कर्मियों ने पूरा अच्छा साथ दिया है और साथ में जन सेवक भी थे और लोकल लीडर भी थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और सब पूरी टीम वर्क होके सब ने काम किया और सबका इम्प्रूवमेंट भी, सब में अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है और घंटे भर के बाद देखेंगे कैसे थी है, आराम होगा तो उनको दवाई देके घर भेजेंगे। जोधपुर के भांडू कला में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा स्कॉर्पियो और पिकअप में भिड़ंत होने से हुआ। भिड़ंत इतनी तेज थी कि मौके पर ही मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर बोरा नाडा पुलिस मौके पर पहुंची। दौसा जिले के बसवा कस्बे में भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विप्र बंधुओं ने पहले ध्वज पूजन किया और मंत्रोच्चारण से शोभा यात्रा शुरू की। इसमें ध्वज लिए विप्र बंधु जयकारे लगाते शोभा यात्रा के आगे चल रहे थे। वहीं सैकड़ों महिलाएं नारी शक्ति के रूप में कलश धारण कर मंगल गीत गाती चल रही थी। इस दौरान अनेकों व्यापारियों ने भगवान की शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने भंडारे का भी आयोजन किया। वहीं भगवान परशुराम की महाआरती में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहां समाज के लोगों ने बैठक का आयोजन कर समाज की एकजुटता पर बल दिया। शोभा यात्रा में कांग्रेस के जिला महासचिव शेष अवतार शर्मा, एडवोकेट विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण अगावली सहित समाज के प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए। जोधपुर राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह विश्नोई जोधपुर पहुंचे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर की ओर से विश्नोई का सर्किट हाउस में स्वागत और अभिनंदन किया गया। राजस्थान सरकार ने जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह विश्नोई को राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने के बाद विश्नोई सुबह 10 बजे जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे थे। शहर के भाजपा पदाधिकारी मंडल मोर्चा अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की ओर से जसवंत सिंह विश्नोई का स्वागत किया गया। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तो बहुत पुराना बोर्ड है,
इस बोर्ड में अध्यक्ष अगर हम देखें 1956 बोगीलाल जी पांड्या, गोगल भाई भाट, हरदेव जोशी, विका भाई अमर लाल जी यादव, बनवर लाल जी गोड, हम अपने चुंदीलाल जी दाकड़, भवानी शंकर जी शर्मा, भानु कुमार जी शास्त्री, मानवी सुराना, जो लोग रहे इसके अध्यक्ष। सरकार की मंशा ये थी इस बोर्ड बनाने की, क्योंकि खादी का उपयोग लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लेकर के अब काम कर। फिलहाल महारो राजस्थान में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।